What's up, guys? Welcome to my vlog. और आप व्लॉग का टाइटल देख के ये सोचते रहे कि मैं कहाँ है, ये कोरोना के बीच में स्पेन चला गया. नहीं है, एक्चुअली मैं 2019 में गया था. उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं था एंड उतना कुछ एडिट भी नहीं करता था. नाउ दैट आई एम गेटिंग काइंड ऑफ लिटिल एक्टिव, तो मैं अभी अपने वो वीडियोस एडिट कर रहा हूँ. मैंने काफ़ी मतलब यूरोप गया था 2019 में, स्पेन एंड पोर्चुगल, एंड 2017 में भी मैं गया था. सो अभी मैं वही सब वीडियोस एडिट कर रहा हूँ और डाल रहा हूँ. सो यू नो, लाइक उस टाइम पे मैंने शूटिंग भी मतलब ऐसे ही किया था, व्लॉग डालने के हिसाब से नहीं किया था. तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत नरेट कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं यू नो लाइक व्लॉगिंग स्टाइल कर सकूँ एंड एक्सप्लेन कर सकूँ जगहों के बारे में. सो प्लीज़ बेयर विथ मी, लाइक यू नो, इन केस यू फाइंड दैट बहुत नरेशन हो रहा है और वट एवर, बट ट्रस्ट मी, इट शुड बी गुड. सो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक में मेरा एक व्लॉगिंग पेज है. तो इफ़ यू कैन यू नो, इफ यू वॉन्ट टू फॉलो दैट, यू कैन डू दैट एज वेल. सो स्पेन वॉज क्वाइट अ मेमोरेबल ट्रिप, स्पेन एंड पोर्चुगल एक्चुअली, एंड उस टाइम पर काफ़ी अच्छी डील भी मिली थी. सो यू नो, वी कुड डू दैट. पता नहीं अभी कोरोना के चक्कर में कब फ्लाई करने मिलेगा, या फिर इवन फ्लाई करने मिले तो फ्लाइट प्राइसेस क्या होंगे, वी नेवर नो. सो वॉच माई व्लॉग एंड लेट मी नो इन कॉमेंट्स इफ यू लाइक द व्लॉग. डेफिनेटली do press the like button, and if you have any feedback to share, do leave your comments. So let's watch the vlog. Hey guys, so welcome to Portugal. Hum log aa chuke hain Portugal. We are in Lisbon and kafi kuch karne ko hai idhar. Mausam bhi bahut acha hai. So hope to have more fun here. इसका दिख रहा है अपने वी आर गोइंग ऑन वन ऑफ द मेन स्ट्रीट्स. एकदम मेन स्ट्रीट है एवेन्यू दा लिबर दादे. हम लोग एक्चुअली सांता जुस्ता जा रहे हैं. इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द मेन एरिया ऑफ लिस्बन एंड वी आर एक्चुअली वॉकिंग टूवर्ड्स सांता जुस्ता. ये लिस्बन का मेन एरिया है, इसे पेड्रो के नाम से बोलते हैं. एंड यहाँ काफ़ी सारा अट्रैक्शंस है, जैसे कि सांता जुस्ता, लिस्बन शोर, काफ़ी कुछ इधर से नज़दीक है. एंड हम लोग अभी जा रहे हैं सांता जुस्ता, जो एक यू नो इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जहाँ से लिस्बन का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है. एंड इसका एलिवेटर काफ़ी खास है, लाइक एलिवेटर इटसेल्फ 16 यूरोस का है पर पर्सन. एंड ऊपर जाओगे तो एलिवेटर से ऊपर से अच्छा व्यू दिखता है एक्चुअली लिस्बन का. सो यही सुना हुआ है. सो लेट्स सी कि व्यू कैसा है. सो लेट्स देखते हैं कैसा है लिस्बन का व्यू. बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ से व्यू, जैसा आप देख रहे हैं इधर से, काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है. एंड यू नो, इट इज़ दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट सी व्हेन यू कम टू लिस्बन. इधर डेफिनेटली यू नो, इट इज़ वन ऑफ द मस्ट सी अट्रैक्शंस एंड डेफिनेटली इसे देखना चाहिए. ये है लिस्बोआ स्टेशन और हम लोग इधर से सिंत्रा जा रहे हैं, जहाँ कैसल है. सुना है काफ़ी ब्यूटीफुल है. सो देखते हैं ये ट्रेन राइड कैसी, एक घंटे की ट्रेन राइड है. ये ट्रेन में ये ग्राफिटी बना के लोगों ने ट्रेन की काफ़ी हालत बिगाड़ दी है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. एंड काफ़ी सारे विंडोज में से तो बाहर दिख रहा भी नहीं था कुछ भी.
यूरोप का एक खास बात है कि यार ट्रेन सुपर है यहाँ का, मतलब कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका जैसे यूएस कनाडा आपको कंपेयर करे तो ट्रेन की कवरेज अक्रॉस यूरोप कितनी अच्छी है। लाइक इंडिया में भी जैसे कि काफ़ी अच्छा है ट्रेन का कवरेज, तो वैसा ही है इधर यूरोप में भी। यूरोप में आई मीन लाइक आई कैन नॉट इवन कंपेयर, बट काफ़ी अच्छा है यूरोप में ट्रेन का कवरेज, ट्रेन का नेटवर्क जो भी बोलना चाहिए वो बोल सकते हैं। ये है आर्को दा अगस्ता, ये सबसे बढ़िया एरिया है इधर से, जैसे कि सी भी इधर से नज़दीक, सी शोर है बेसिकली। ये बेसिकली पुर्तगाल का काफ़ी बड़ा ट्रेड पॉइंट रहा है, यहाँ से काफ़ी लोग ने हिस्टोरिकल ट्रेडर्स वगैरह इधर से निकले हैं। एंड ये पोर्चुगीज़ एम्पायर जो कि काफ़ी पुराना एम्पायर है, काफ़ी बड़ा एम्पायर था, ये बेसिकली ट्रेड पॉइंट रहा है। Of movie Josh, which had Vasco in that. Although we didn't see eagles and pictures. Pretty much. Most of the rooms are all rooms. Not most, some are, especially most of them. Yeah, especially rooms. सो हम लोग आ चुके हैं क्रिस्टो री में। ये बेसिकली जीसस क्राइस्ट का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। ये ऑलमोस्ट ये ब्राज़ील में क्राइस्ट रिडीमर के जैसा ही है, बट क्राइस्ट रिडीमर से छोटा है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। एंड डेफिनेटली लाइक वेदर भी साथ दे रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ से ये जो है ये लिस्बन शोर के दूसरी बाजू है, जो कि अल्बाडा करके एरिया का नाम है। एंड यहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है, देखिए जैसे कि यहाँ से ये ब्रिज भी दिख रहा है। ये ब्रिज जो है दोनों बाजू दोनों आइलैंड्स को दोनों लिस्बन के ऑपोजिट शोर को कनेक्ट करता है। काफ़ी ये मेरे को गोल्डन गेट ब्रिज जैसा लगा काफ़ी हद तक, लाइक ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर लगा, मतलब गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को में जो है उसके जैसा ही लगा। बट अदर देन दैट दिस प्लेस इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल सीनिक। एंड यहाँ पे आराम से एक 2 to 3 hours ईजिली स्पेंड कर सकते हैं, जस्ट टू एन्जॉय द नेचर एंड एन्जॉय द ब्यूटी ओवर हियर। सो लिस्बन से आज हम लोग निकल रहे हैं। सो निकलने से पहले एक इलेक्ट्रिक बाइक में एक राइड हो जाए लिस्बन शोर के नज़दीक से। एंड काफ़ी लिस्बन वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया इधर। अभी हम लोग इधर से जा रहे हैं बार्सिलोना, एंड यू नो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एक्साइटमेंट। बार्सिलोना मैड्रिड एंड सेविया स्पेन में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सिंस हम लोग लिस्बन डेफिनेटली सरप्राइज्ड अस एंड इट वॉज काफ़ी ब्यूटिफुल, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियोज विच आर अबाउट टू कम, एंड कीप डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग।